नमस्कार विजय, कैसी न्यूज आपका स्वागत है। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट बता दें आपको, पंचकुला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा जिन्होंने जिला पंचकुला वासियों से करी बड़ी अपील, रहें अपने घर में और सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, अगर निकलते हैं तो पुलिस जो है वो सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो केस है, संक्रमण है, लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मद्देनज़र पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अन्य जितने भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हरकत में नज़र आ रहे हैं। बावजूद उसके जो लोग कुछ लोग बेवजह जो घूमते नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस जो अपना नकेल कसती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि अगर आपने बाहर निकलना है, आपने अगर किसी काम से निकलना है, मेडिकल की व्यवस्था के लिए निकलना है, या फिर एसेंशियल सर्विसेज को लेकर आपने सामान लेने जाना है, लेने आना है, इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस उपायुक्त ने दी जानकारी कि किस प्रकार से आप अपनी ई पास जो है वो जनरेट कर सकते हैं और ई पास दिखाकर आप मूवमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी मूवमेंट हो उसको आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि बेवजह अगर आप घूमते पाए जाते हैं तो पुलिस जो है उसके ऊपर आप पर कार्रवाई जरूर करेगी। वहीं पर आपको बता दें कि किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने क्या क्या कहा है और DCP पंचकुला के द्वारा क्या संदेश दिया गया, एक बार सुनिए पूरी वीडियो में। पंचकुला में नए से मतलब जो नया जो नियम कायदे वगैरह आए हैं वो तो बताएंगे आप क्या क्या। जो सरकार द्वारा लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, पहले वीक एंड लॉकडाउन लगाया गया था 3 मई सुबह 5 बजे तक, उसे एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। और सरकार का उद्देश्य और प्रशासन और पुलिस का भी उद्देश्य यही है कि ये लॉकडाउन कारगर साबित हो और इसके कारण जो कोरोना का संक्रमण है, COVID-19 डिजीज़ का, वो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो और लोग रिकवर हों जल्दी और ये फैले ना, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदियों के साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन सब को जो है परमिशन दी गई है, अलग अलग कैटेगरीज़ में, अलग अलग श्रेणियों में उनको अलाउ किया गया है। जो बदलाव इसमें कुछ दिनों में किए गए हैं, बदलाव के ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्ट्रक्चर किया गया है कि पास के तहत जो है वो मूवमेंट की गई है। पहले जहाँ पे ID कार्ड था अब वहाँ पे पास के लिए सरकार ने प्रावधान किया है, जो कि पोर्टल के द्वारा और DC ऑफिस द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा पास जारी किए जाएंगे। उनके तहत ही जो एसेंशियल सर्विसेज या जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनकी मूवमेंट होगी। और इसी को देखते हुए पुलिस ने ये अपने सभी, हमने मुलाजिमों को भी इंस्ट्रक्ट किया है, उनको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें पासेस को चेक करके और उनको सैंपल भी प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बाद ही इनको जाने दिया जाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमरजेंसी में है और उस वक्त नहीं पेश कर सकता वो, या कोई किसी की कंडीशन क्रिटिकल है, तो उस केस में उसे अलाउ किया जाएगा और साथ ही साथ जो संबंधित कार्यालय है उसको भी सूचित किया जाएगा। तो पंचकुला निवासियों से सबसे यही अपील है कि कृपया इसमें पुलिस का सहयोग करें और अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस कोविड संक्रमण में वो भी योगदान दें, इसको फैलने से बचाएं, अन्यथा पुलिस जो है इसमें अब बहुत सख्ती बरतेगी, क्योंकि ये सूचना सब तक जा चुकी है कि लॉकडाउन है और अगर इसमें कोई भी कोताही या इसकी कोई भी उल्लंघना होती है तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग आम जो है घूम रहे हैं बिना काम के, ना किसी प्रकार से चेकिंग की जा रही है उसकी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक लोगों की मूवमेंट का सवाल है इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन का जो विस्तृत आदेश जो सरकार द्वारा आया है और उसकी निरंतरता में जिला प्रशासन द्वारा भी जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें पाबंदियां हैं लोगों पे, पर साथ साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज या एसेंशियल सर्विसेज की श्रेणी में जिन्हें रखा गया है, जिन चीज़ों को, उनको मूवमेंट अलाउड है। अब चूंकि ये एक हफ्ते का लंबा लॉकडाउन जो लगाया गया है सरकार में, इसमें और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पास की व्यवस्था भी की गई है। वो पास ऑनलाइन जो कंपनी है, कोई ट्रेडर है, कोई इंडस्ट्री है, उनको ये व्यवस्था उनके लिए बनाई गई है। कुछ पास जो हैं वो ऑटो मोड पे दिए जा रहे हैं, कुछ जो है उनका आंकलन किया जा रहा है यहाँ जिला प्रशासन द्वारा और उसके बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा है।
इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ स्टाफ, म्यूनसिपैलिटी, मीडिया पर्सन्स, पुलिस पर्सनल, मिलिट्री, तो इन सबको भी जो है वो लॉकडाउन से आंशिक रूप से छूट दी गई है। और चूंकि पंचकुला के बॉर्डर पे चंडीगढ़ है और साथ ही इंडस्ट्रियल यूनिट है बद्दी में, तो वहाँ पे भी जो जैसे दवाइयों की कंपनियाँ हैं या कोई और फार्मास्यूटिकल यूनिट है, वहाँ पे भी उनकी मूवमेंट हो रही है। उसमें भी जिला प्रशासन द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से कम मूवमेंट व्हीकल्स की हो और उनको उस हिसाब से पास जारी किए जा रहे हैं। तो जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तो इसमें कम मूवमेंट है, और पर फिर भी जैसा मैंने बताया कि जिन जिन को अलाउ किया गया है, जिन लोगों को, उसके कारण सड़क पे कुछ हद तक ट्रैफिक है। फिर भी हमने जितने भी नाके स्थापित किए हैं उन सबको लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों को पूछा जाए और उनसे उनसे ये भी जाना जाए कि उनका क्या उद्देश्य है। जो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाते उनको वापस जाने के लिए भी कहा जाता है, और कुछ केसेस में हम केसेस भी रजिस्टर कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी 30 अप्रैल के बाद ही हमने 11 जो मुकदमे हैं ये इनमें दर्ज किया है, और इनमें 20 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है, और आने वाले दिनों में इस कार्रवाई को और तेज़ किया जाएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन का उद्देश्य जो है वो इस संक्रमण को रोकना ही है, और ये जन स्वास्थ्य और जनहित में है। लगातार गैदर कर रहे हैं कुछ विशेष जो दवाइयाँ थी, ड्रग्स जैसे कि रेमडेसिविर इत्यादि, उनके कालाबाजारी की हमारे पास न्यूज़ आई थी। उस मामले में हमारी क्राइम टीम ने और ड्रग कंट्रोलर ने मिल के कार्रवाई की थी और मुकदमा भी दर्ज किया था, और कुछ रेमडेसिविर की वायल्स जो थी वो भी रिकवर की थी। और इसी के साथ साथ जब भी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है तो उसे तुरंत ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से चेक करवाते हैं कि कहीं ये कालाबाजारी का मामला तो नहीं है, और आगे भी इस पे सख्ती बनी रहेगी, चाहे वो ये दवाई हो या ऑक्सीजन सिलेंडर से संबंधित कोई केस हो। शराब तस्करी के भी कई मामले देखने को मिले, लॉकडाउन में ठेके बंद हैं और फिर उसके बावजूद जो है कई लोग शराब बेचते नजर आए हैं, मामले भी सामने आए थे। जी, तो इस मामले में अभी तक हमने शराब से संबंधित जहाँ पे बंद ठेकों में किसी खिड़की के माध्यम से किसी कारिंदे द्वारा या कहीं बाहर शराब की कुछ इक्का दुक्का बोतलें जो बेची जा रही थी उनका भी हमने संज्ञान लिया है, और इस विषय पे 3 मुकदमे जो हैं वो हमने दर्ज किए हैं। और हम अपने फील्ड यूनिट्स को, चौकी इंचार्ज, SHOs को लगातार इसके बारे में आगाह कर रहे हैं कि ये इस पे ठेकों पे भी पूर्ण रूप से पाबंदी है लॉकडाउन के दौरान, और आने वाले दिनों में भी इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। सर, ये असेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं जिनको 6 बजे तक का टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कभी 11 बजे दुकानें बंद करवा दी जा रही, कहीं 10 बजे, इसके बारे में काफ़ी खबरें आ रही थी सर। देखिए, इंसिडेंट कमांडर्स के द्वारा कुछ केसेस में RWA से संपर्क करके या मेडिकल जो मार्केट एसोसिएशंस हैं इनके साथ संपर्क करके ऐसा एक व्यवस्था बनाई जा रही थी कि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि हर स्थान जो है उसके भूगोल के अनुसार वहाँ पे अलग व्यवस्था बनानी पड़ती है। अगर कोई पिंजौर, कालका के जो कस्बे हैं या वहाँ का जो कोई भीड़ी मार्केट है, तो जन स्वास्थ्य और जनहित को देख के ही और मार्केट एसोसिएशंस और RWAs को साथ लेके ही इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है। कल जो है वो उपायुक्त महोदय द्वारा एक और आदेश जारी किया गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज भी हैं जैसे कि केमिस्ट इत्यादि, वो शॉप्स भी जो हैं फीडबैक के आधार पे ये डिसाइड किया गया है कि उनको भी 7 बजे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी आड़ में भी कई लोग देर रात तक मूवमेंट कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त जो होम डिलीवरी है खाने इत्यादि की, वो रात को 10 बजे तक केवल और केवल खाने की डिलीवरी जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए उपलब्ध रहेगी, अन्यथा रात के लॉकडाउन को और कड़ाई से और सख्ती से लागू करवाने का प्रयास जारी है। सर, ये रोस्टर की जो व्यवस्था आएगी कि कुछ दुकानदार जो एसेंशियल सर्विसेज में वो रोस्टर के थ्रू काम करेंगे, तो लेकिन सर जो रोस्टर की जो एप्लीकेशन है सर, वो अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, और कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं, कुछ के बाकी हैं सर अभी जो देखिए, दुकानदार। क्योंकि ये सारी व्यवस्था जो है ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस से, DC ऑफिस से होती है, तो
जिसको भी कोई समस्या आती है वो वहाँ पे प्रशासन को अप्रोच